दोस्तों कई सारे क्रिएटर के मन में ये ख्याल होता है कि एक साल में अगर हमारे चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। हर क्रिएटर जब एक साल तक काम करता है अपने चैनल के ऊपर और एक साल में उसका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं होता है तो यही सोचता है कि एक साल हो चुका है कि अब हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। जब मैंने भी चैनल बनाया था तो मेरे भी एक साल में वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था। जब मैं न्यू क्रिएटर था तो मैं भी यही सोचता था। तो कई सारे क्रिएटर सोचते हैं कि एक साल में अगर हमारे चैनल पर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ 4000 घंटे का तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, क्योंकि कहता है कि YouTube एक साल में 4000 घंटे का हमें वॉच टाइम कंप्लीट करना है मोनेटाइज के लिए अप्लाई करने के लिए और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने एक साल में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है और 1000 सब्सक्राइबर होता है वो YouTube कैसे काउंट करता है एक साल में और उसे कैसे एक्सेप्ट करता है, सब कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर हमारे चैनल पर 2 साल हो जाते हैं 3 साल होते कि हमारे चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा तो YouTube इसे कैसे काउंट करता है, सब कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप न्यू क्रिएटर है तो इस वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट किया है ईयर 1 ईयर 2 और ईयर 3 मैंने यहाँ पे लिखा है। ऑलरेडी मैंने इसलिए लिखा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी मान लो आप हमने यहाँ पे चैनल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम न्यू चैनल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम न्यू चैनल बना लिए, ठीक है, फर्स्ट महीने में, और यहाँ पे कितना 12 महीने में 1 साल हो गया। उसके बाद मान लो यहाँ पर हमारे चैनल का जो वॉच टाइम होता है नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में कंप्लीट होता है, कितना घंटा हो जाता है 4200 घंटा, ठीक है, यहाँ पे 4200 घंटा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगर हम मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो यूट्यूब इसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्यों? यूट्यूब इसे क्या करेगा पता है, 365 डेज का काउंट करता है, लास्ट 365 डेज का। कैसे काउंट करेगा यूट्यूब, यहाँ से काउंट करेगा ना यहाँ तक काउंट करेगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक काउंट करेगा, ओके, यहाँ तक यूट्यूब इसे काउंट करेगा। यहाँ का जो 4 महीने है ये इसको यूट्यूब काउंट नहीं करेगा, ठीक है, यूट्यूब इसे काउंट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे 4200 घंटा कंप्लीट हुआ था नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, कितना महीना हो गया 16 महीने। अब 16 महीने से यूट्यूब क्या करेगा, यहाँ के जो ये 4 महीने का वॉच टाइम है यूट्यूब इसे काउंट नहीं करेगा, इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो होगा क्या, लास्ट 365 डेज में, ठीक है, लास्ट 365 डेज में यूट्यूब क्या करेगा, ये वॉच टाइम हमारा काउंट करेगा। तो कितना घंटा होता है, यहाँ से समझो इसमें से 300 घंटा यूट्यूब ने माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास 3900 घंटा। फिर भी हमें और 100 घंटे की ज़रूरत है। उसके बाद समझो अगर हमारा अगर हम यूट्यूब पे काम नहीं करते या हमें और भी हमें टाइम लगता है तो यहाँ पे समझो मान लो हमारे घंटे चार इस यहाँ पे मतलब मान लो और हमने 4-5 महीने काम किया तो यहाँ पे हमारे चैनल पे घंटा हो जाता है 4100 घंटा। फिर हम सोचते हैं कि आप मोनेटाइज को अप्लाई करेंगे तो यूट्यूब क्या करेगा, वापस यहाँ से यूट्यूब क्या करेगा, यहाँ तक यूट्यूब काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यूट्यूब क्या करेगा, यहाँ तक यूट्यूब इसे चेक करेगा लास्ट 365 डेज में, ठीक है, लास्ट 365 डेज में यूट्यूब इसे काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूट्यूब देखेगा इसमें भी अगर आपके 200 घंटा कम होता है या 300 घंटा कम होता है यूट्यूब क्या करेगा, इसे यहाँ पे माइनस करेगा, देखेगा अगर यहाँ पे अगर आपके फिर भी यहाँ पे समझो मान लो 3950 घंटे हो रहे तो फिर भी यूट्यूब ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूट्यूब को क्या चाहिए, लास्ट 365 डेज में चाहिए। तो फिर हमें और 50 घंटा काम करना पड़ेगा, सॉरी 50 घंटा वॉच टाइम होता है वो हमें बनाने के लिए और हमें यूट्यूब पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है 4300 घंटा कर लो या 4100 घंटा ही कर लो, ठीक है, 4100 घंटा। उसके बाद अगर हम अप्लाई करते हैं तो YouTube क्या करेगा, यहाँ से इसको यहाँ तक चेक करेगा, अगर यहाँ पे हमारा ये रेडी कंप्लीट होता है तो YouTube इसे एक्सेप्ट करेगा और हमारा चैनल यहाँ पे मोनेटाइज हो जाएगा। तो YouTube क्या कहता है, लास्ट 365 डेज पे, चाहे आप यहाँ पे कंप्लीट हो जाए या यहाँ पे कंप्लीट हो जाए या यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, अगर यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाता है आपका तो यहाँ पे भी YouTube मोनेटाइज के लिए अप्लाई एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि YouTube को क्या चाहिए, लास्ट 365 डेज में, ठीक है, लास्ट 365 डेज में YouTube क्या करेगा, इसे काउंट करेगा और यहाँ पे 4000 कंप्लीट होते हैं 2 साल के बाद होते हैं या 3 साल के बाद भी होते हैं तो YouTube इसे एक्सेप्ट करेगा और आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से YouTube एक्सेप्ट काउंट करता है जो 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है। हम सोचते हैं कि यार एक ही साल में अगर हमें कंप्लीट करना है तो ऐसा नहीं है, अगर आप नेक्स्ट ईयर में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, थर्ड ईयर में भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे 2 साल लग गए थे कंप्लीट, मेरा 2 साल यहाँ पे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था, मतलब 2 साल 1 महीने में। हालांकि कुछ वॉच टाइम मेरा कट हो जाता इसी तरीके से, कभी 100 घंटा कट हो गया, फिर यहाँ पे जब 365 डेज हो गए तो यहाँ पे 200 घंटा कट हो जाता था क्योंकि मैं चैनल पर एक्टिव नहीं रहता था। तो इस तरीके से लास्ट में मेरा यहाँ पे 2 साल 1 महीने में यहाँ पे मेरा 4000 घंटा कंप्लीट हो गया था और मैं मोनेटाइज का अप्लाई किया तो मैं चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो इस तरीके से यूट्यूब एक्सेप्ट करता है आपका जो 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है लास्ट 365 डेज में। अब आप जान गए हो कि अगर हमारे चैनल पे 1 साल में 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, सब कुछ वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बता दिया हो, अब आप जान गए हो कि हमें 4000 घंटे वॉच टाइम होता है कब तक कंप्लीट करना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।